वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दो मीटर ना, बस इसको ऐसे पकड़ा के ऐसा गुड़ गुड़ गुड़। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यहाँ तो हट डाल लो इधर क्या, इसको भी ऐसा ना गले में लटका लो जरा के। बोतल ले रखी है पहले वाली, क्या करें हमने एक दी थी, हम तो वो अलमारी में रखे हैं तो वहाँ को उठा लेंगे। हमने छुपा के रखी है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चलने दो उसको रिकॉर्डिंग। मत प्रदेश इंदौर काफी संगत आ रही है, परसों फोन आया था उनका शेखर, शेखर का। अरे 30-35 लोग, पहले तो 3 लोग आए थे, एक आए थे नहीं 3 आए थे। अरे जी एक ही 3 थे, फिर हमारे पास फोन किया, हम गोला आ गए, हमने गोला कहाँ पहुंच गए। नल में क्या बना रहे थे हम साहब, वो जो लीक करता था वो बना रहे थे, क्या आप नहीं करेगा, उन्होंने आप चाहेंगे तो नहीं होगा, चाहेंगे तो हो ही जाएगा। हंसने लगे, अरे कोई अपना घर बिगाड़ता है।
सरसों के तेल की भी है वो भी सरसों के तेल की भी है ना वो भी नहीं ये नहीं है ये सरसों का तेल ये दोनों काम में आता है मुंह में भी जैसे दो चार बूंद डाल लो कुल्ला कर लो मुंह साफ हो जाए जो मालिक को थोड़ा मुँह अरे भैया सेवा लगल है चलता सेवा कह देता वो चौतरवा बनावे के रहा है चौतरा बनाना है मुक्ति दिवस के लिए झंडा फहराने के लिए कहाँ आएंगे अच्छा अच्छा साफ हो रहा और ज्यादा लो ज्यादा लगाना पड़ता जी हाँ जब जहाँ आएगा तो लाओ डालो पानी डालो नहीं नहीं बस घर नहीं सुनाते ऐसे ही ले हाथ चलो ना कुछ नहीं अब नहीं लगाना जिसको मालूम है जैसे पता था ऐसे लगा दिया थोड़ा अपने आप खड़ी हो जाए ये वो हल्का कर लेते हैं ज्यादा अच्छा नहीं हो जाती डबल पेटर ट्रिपल पेटर कर देते हैं फेट मार देते हैं जी Gracias.
जगह पूरी कवर हो गई जगह मन है दो ही लाए थे नहीं दो वहाँ लगवा दिए ना चार बोल रहे थे नहर लगा दो ही लगा दिए तो कवर हो जाती है। अरे तो ये सीधा करवाए होते तब लो ना कह लो कि नहीं वो ठीक तिरछे रहे दो तो खाता हूँ चल के दो लोग आएंगे सभी यही से करने के
बगैर काम के कर्म के बगैर त्याग के कोई इतिहास नहीं बनता है, और इंतजारी के साथ इतिहास मजबूत बनता है। आज उसी मालिक के आदेश को पालन करो और अपनी जीवात्मा के घर पर उनकी सच गुरुदेव नाम किसका गुरुदेव नाम थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे हल्दी और चावल और देसी घी जाकर रखा हुआ है, इसको लगाइए और सब लोग नमन करेंगे। इस बुद्ध को सभी लोग नमन करेंगे। वो समय का जगाया हुआ नाम, उस नाम का काम करने का जो है, झंडाओं ने बात खराब कर दी, वो माहौल वातावरण खराब कर दिया। जिस शिक्षा तालीम से झंडों को बनाकर लगाया जाता था, वो शिक्षा समाप्त हो गई। हम आपको इसी झंडे के नीचे बराबर जय गुरुदेव झंडे तरह मुखरी आपने करो, इसको लगाइए। मैं बोलूंगा पीछे से, आप बोलोगे। दिवस मनाए
गुरुदेव सतगुरु देव देव गुरु।
जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। इसलिए सब लोग प्रेम से बोले, कलयुग में सतयुग किस नाम से आएगा? जय गुरुदेव। यह नाम नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। संग तो जब देखो, जितने हमारे महापुरुष हुए, जीव खजाने सदन शबरी, दुष्ट गणिका गर्भवती, वाल्मीकि करोड़ पापी नाम से भय। जब तक ये मांसाहारी रहेगा, तब तक तुम किसी जीव की रक्षा नहीं कर पाओगे। अच्छी मदिरा और मुर्गा पालन के लिए अति व्यवहार में ला रहा है, लेकिन नहीं, हम इससे सहमत हैं। क्यों? जब हमारे भगवान श्री कृष्ण के सात भाई जब तक उदर में रहे तब तक सुरक्षित रहे, बाहर भूमि धर्म से हीन हुई है, तब तक यहाँ पर महापुरुष विभूतियां संत आकर के, चाहे उनको अवतार कहो या उनको विस्तार से कहो, लेकिन आकर के स्थल का आर उत्थान किए हैं कि जिस समय संत 52 में 53 करोड़ रुपए का बूतरखाना कलकत्ता में बना था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी असहाय गौ 34,000 पर्दे काटने का परमिशन दिया था। कि आप कहते थे कि जवाहर ने केवल पैदा किया है, कितनी औलाद हमारी है, हम इसको फूल बूटा सजाए, फिराक पहनाए, ये भी सीधी पाए, उंगली पकड़ करके चुमन टहराए, और केवल औलाद जवाहर की है, लेकिन पालन पोषण हमने किया है, ये हमारी औलाद है। आज वो औलाद क्या कर रही है कि 34,000 असहाय घर पर्दे काटने का परमिशन, इसका उत्तर बहुत जल्द से भेजी। हमारे आत्मा को असंतोष हो गया है, तो वहां से जब पत्र गया तो उसके पुष्प पर क्या लिखते हैं कि आप संत हैं, महान हैं, ऐसे शब्द बोलोगे तो कोई संत नहीं कहेगा। फिर उस पुष्प को पढ़ करके उसी पुष्प पर उसको काट करके दोबारा फिर भेज दिया कि हम संत बनना नहीं चाहते हैं, हमारे सामने गौ काटी जाए, हमारे साथ दिन ही सताया जाए, और हम अपने को संत बन के बैठे। हम संताई की कोई ठेकेदारी नहीं लिया है, न हम संत बन पाएंगे। संत का स्वभाव शांति होता है। आज वो शांति मथुरा में बाबा नहीं करते, तो आज इस महापाप नगरी में मथुरा हमेशा से दुष्ट पैदा हुए हैं। पहले लौनासुर पैदा हुआ, राम ने बाप का घोड़ा भरा हुआ है, एक कृष्ण के नाम से मथुरा की पूजा हो रही है, नहीं तो मथुरा और अयोध्या इसके पर बंदी बात हो जाना चाहिए। हमारा अयोध्या का त्याग, मथुरा का त्याग, प्रयाग का त्याग, काशी का त्याग, हम सब त्याग, और गंगा स्नान का भी त्याग छोड़, गंगा स्नान करना छोड़ चुके हैं। एक बार हम पहले रक्त का स्नान करेंगे, गौ ब्राह्मण साध और अबला नारी ये चारों के लिए संत का अवतार होता है। हम इनका इस पाप का प्रतिकार जब तक नहीं कर पाते हैं, तब तक हम संत बनने की कभी आत्मा से विचार नहीं करेंगे। और आपको सत्संग हमारे बाबा राम रतन दास जी को सौंप रहे हैं, वो आपको शांति देंगे। धन्यवाद। अब हमको विदा करिए। ऐसे अवसर, ऐसे पुरुषों के दर्शन दीदार हो पाते हैं। तुम भी बैठो। ये सब आपके सामने हो रहा, कोई इधर उधर मंदिर झागने झागने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करोगे तो हम पांव पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, छुटकारा दिलाती और कर्मों के बंधनों से मुक्त कराती। उनका एकमात्र उद्देश्य यही, दूसरा नहीं है। लेकिन आप इन चीजों पर विचार करो। विचार कब करोगे? जब कुपचार निकल जाएगा, जब शाकाहार आ जाएगा, सदाचार आ जाएगा, ब्रह्मचर्य आ जाएगा। गुरु महाराज ने कई बार संबोधन में कहा,
कि योगी 4 वर्ष का बन सकता, 50 वर्ष का, 100 वर्ष, आप उनको क्या पहचानोगे? उनके पहचानने के में समय खराब मत करो, अपने को पहचानो कि तुम क्या थे, क्या हो गए, तुम कैसे शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो गई, और मालिक के घर जाने और मालिक के पाने के अधिकारी बन सकोगे, ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन सोचोगे कैसे? बुद्धि से, और बुद्धि आपने शराब पी के खराब कर दी। अब बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय नहीं ले पा रही, पाप पुण्य का निर्णय नहीं ले पा रही, शुभ अशुभ का निर्णय नहीं ले पा रही, माँ बहन बेटी बहू का निर्णय नहीं ले पा रही, ये सब कमी हुई है। इसी कमी को दूर करने के लिए सत्संग गंगा की जरूरत पड़ी। जैसे गंगा नहा के कहते हमारे कर्म धुल गए, हम साफ हो गए, क्योंकि गंदगी तो अंदर जमा की आपने और सफाई आप बाहर में करते हो, तो कितने लोगों ने गंदगी हटा पाई? अगर बाहर के पानी से गंदगी धुल जाती तो कछुआ और मछली तो 24 घंटे जल में रहते, सब पाक साफ हो गए होते, सब निर्मल, सब पवित्र हो जाते, सब मतलब उस मालिक को पाने के अधिकारी बन जाते। ऐसा कुछ नहीं है। ये गंगा जमुना त्रिवेणी, ये संतों की सड़क, पहले पैदल पर्यटन करते थे, कोई रेल का कोई सड़क का साधन नहीं था, पैदल जाते थे आते थे, तो ग्रेसियों से कहा गया तुम गंगा यमुना में आते जाते रहना, कोई ना कोई संत महात्मा फकीर मिल जाएगा और तुमको गृहस्थी धर्म सिखा देगा, और गृहस्थी में इस शरीर में और परिवार में रहकर तुम कैसे मालिक को पा सकोगे? तो उनको मिलने के लिए था, तभी तो लिखा गया कि परमात्मा किनको मिलता है, खुदा का दीदार किसको होता है। तो कहा ना हिंदू ना मुसलमान को, ना सिख ना ईसाई, ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय वैश्य ना हरिजन, ना छोटा बड़ा गरीब अमीर, ना पढ़ा लिखा अनपढ़ ना स्त्री पुरुष, ना मंदिर बनवाने वाले को भगवान मिला, ना मस्जिद बनवाने वाले को खुदा मिला। ये मिलने का उन्होंने एक तरीका बताया था, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिख करके रामचरितमानस में बखान किया कि परमात्मा खुदा को कौन पाता है। उन्होंने क्या लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोही पावे, और मोह छल छी देह कपट नहीं भावे। देखो कितना सीधा सरल उपाय, कुछ नहीं करना, न गंगा न जमुना न तीर्थ न व्रत न दान न हवन न जप न तप, ये आपको कलयुग में कुछ नहीं, क्योंकि आप इस काम के करने के लायक नहीं है। ये बहुत शुद्ध निर्मल पाक साफ मतलब जीवों का विषय था, अब सब गंदगी में सराबोर हो गए। कोई व्यक्ति ऐसा परमात्मा को ये चाहिए, न धन वाला न बल वाला न बुद्धि वाला न ज्ञान वाला न जात वाला, परमात्मा को चाहिए निर्मल मन वाला, जिसका मन पवित्र हो। आज तो सबके मन गंदे हो गए, और मन धोने का साबुन और दरिया केमिकल कहीं तैयार नहीं, उसके लिए भी संत महापुरुष। देखो गोस्वामी जी महाराज अभी 600 वर्ष लगभग पहले आए थे, 1589 में जन्म हुआ और 1680 में शरीर छोड़ दिया। इतने दिन आपके बीच में रहे, चिताते रहे, जगाते रहे, वो भी ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जाति का बखान किया है कि कान कुब्ज बामन मेरी जाता, मैं कनौजिया ब्राह्मण था, इधर उधर का नहीं बने वाला, कान कुब्ज बड़ा साफ साफ लिखा हो, लेकिन किसने समझाया, किसने इसको समझ पाया? तो उन्होंने इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया कि परमात्मा किसके हृदय में वास करेगा, चंदन लगाने वाले, बंधन लगाने वाले, माला पहनने वाले, गंगा नहाने वाला,
दो चार घंटे आप कान बंद कर बैठने वाला तो ये तो ऐसा अस्त्र है, ये चलाओगे तुम्ही को खा जाएगा, तुम्ही को नष्ट कर देगा। अहंकार ऐसा अस्त्र तैयार किया तो कम से कम सोचिए तो इसको। आज जिस तिथि पर्व के नाम से हम सब एक जगह पर एकत्र हुए, ये गुरु परिवार एक जगह एकत्र हुआ है वो 23 मार्च मुक्ति दिवस के नाम पर। तब लेकिन मुक्ति दिवस का नाम कभी सुना था? सतयुग त्रेता द्वापर 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषद और ऋचाएं ये किसी में शब्द नहीं आया। ऐसे समय के समर्थ मालिक ने ऐसे शब्द की स्थापना की है जिसमें यहां कोई काल माया के जाल में रह नहीं सकता है। अगर बात मान ली, वचनों को स्वीकार कर लिया, वचनों पर यकीन एकाद विश्वास हो गया और अपने जीवन में उन वचनों को आपने उतार लिया तो कहते कोई दुखी नहीं रहेगा, सबकी ये उनकी दया कृपा हुई जिन्होंने अकारण अनायास, कोई कारण नहीं था। क्रूर कांग्रेस शासन ने जिस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही आवाज लगाई कि हमारा भारत देश धार्मिक देश है, सबने उस शिक्षा तालीम को केवल मनोरंजन बना रखा। मनोरंजन का मतलब मन को भोगों की तलाश है, उस भोगों की पूर्ति का साधन बना करके अपना करके आप धनोपार्जन करने लगे, जबकि इनका मूल मकसद यानी तात्पर्य यह था, सत्यता यह थी कि ये सब ज्ञानार्जन के साधन थे। ज्ञानार्जन हट करके सब धनोपार्जन, कोई किसी तरह की अनबन हो जाए, कोई मतलब मानसिकता खराब हो जाए, कोई शंका संदेह भूल भ्रम जन्म ले ले तो मतलब ये थोड़ी है कि इधर उधर भटक जाइए, एक जगह बैठ करके आपको समाधान ढूंढना चाहिए था कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर ऐसे वादा खिलाफी हो जाएगी तो संत मत को कौन मानेगा, गुरु नाम को कौन लेगा, गुरु की महिमा ही मंडल से समाप्त हो जाएगी अगर वादा खिलाफी हो जाएगी। उन्होंने कहा मेरा काम, मेरा संकल्प, मेरा वादा ना कोई विश्व में पूरा कर सकता है और ना पूरा करने में हमें कोई रोक सकता है। दोनों चीजें थी, कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं हूं जो चूक जाऊं, मुझको कोई ना तो मारने के लिए सामान तैयार सृष्टि में, कोई गोला बारूद हमें नहीं मार सकता, ना हमें कोई मार सकता है, ना हमें कोई धोखा दे सकता है, ना हमें कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करके जाऊंगा, चाहे अपने संकल्प वादों को पूरा करने के लिए इसी पंच भौतिक शरीर में हमको 400 वर्ष तक रहना पड़ेगा। क्या ये सब झूठ है? हम तो यही पूछते सबसे कि आप ये बता दीजिए कि गुरु महाराज ने क्या झूठ बोल के समाज खड़ी की है? क्या सबको झूठ का पाठ पढ़ाया है? क्या सबको वादा खिलाफी छल कपट प्रपंच करने का संदेश दिया है? ये तो सोचना चाहिए। तो सजा कोई देता नहीं है, सजा तुमको खुद अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, सजा पाने के काम करते हो। हमारा धार्मिक देश है, जब ये लिखा कि जे जन गुरु पित निंदा करही ते चमगादड़ भय भव करही, जो गुरु की माता पिता की निंदा करता वो चमगादड़ की योनि में जाता है, यानी चमगादड़ उल्टा टंगा रहता पूरे दिन, प्रकाश का सूर्य का कोई असर उस पर नहीं, बेचारा भूखा प्यासा उल्टा टंगा रहता है। सजा है केवल गुरु की निंदा की है सजा है, और जिन लोगों ने गुरु के नाम पर इतना भारी कलंक लगा दिया ये आप बताइए मौत से बढ़कर कोई सजा है? अरे भाई मौत के बाद कोई सजा नहीं है, आपने गुरु को वो सजा मौत की दी है और मौत का प्रचार करा दिया, और जब तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तब आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप उस समय? अरे उतना कहते जितना तुम्हारी जानकारी में था, क्यों दोष लाग रहे हो? सांस पर कोई आंच नहीं है,
सूरज को बादल लंबे समय तक ढक नहीं रख सकते। हवाएं तेज चलेंगी, बादलों का पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, और जैसे सूरज निकला तो उल्लू और चमगादड़ दिखाई नहीं देते। ये सब आपके सामने है, इसलिए मैं कोई निंदा रचना बुराई नहीं करता। हम तो सबको आह्वान करते, मीडिया भी आए, पत्रकार भी आए, कोई गुट हो जिंदा मुर्दा का, आकर के आप सुनिए और बैठिए। हम बराबर आपसे पूछेंगे, क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या संत महात्माओं ने वादा खिलाफी कभी किया है? इन 750 वर्षों का इतिहास संतों का आपके बीच में मौजूद है, उसको आप देख लीजिए, आपकी समझ में सब आ जाएगा। इतने जबरदस्त वादे, कहा था बच्चा सूरज पूरब में निकलता है, ये सृष्टि का नियम है, अगर बजा पूरब के पश्चिम में निकलने लगे, सृष्टि के नियम को तोड़ दे, जिसको तुम मान लेना, और जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, तुम ये भी मान लेना, लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं, वो इधर उधर नहीं होगा। क्यों संत वचन पट, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, जीवात्मा का की पूरी सेवा, उसको यहाँ से जगाऊंगा और कर्म के बंधनों से उसको निकालूंगा और निकाल करके वापिस घर पहुंचाऊंगा, मैं वो सेवक हूँ। कितनी बड़ी बड़ी चीज आपके सामने रखी गई, लेकिन कुछ सब इधर उधर हो गए, कुछ भी किसी के हाथ कुछ लगा है, सारी मेहनत आपने बेकार कर दी। अरे वादों को तुम कैसे भूल गए? चलो तुम्हारी जीवात्मा की आपका नहीं खुला था, लेकिन गुरु के शरीर से तो आपने कितने काम लिए हैं। कोई कह रहा गुरु महाराज तुम्हारे बच्चा नहीं पैदा हो रहा, उसके बच्चा हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही, मतलब यानी शादी हो गई, कहा जनेऊ कर दीजिए, मुंडन कर दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, और मतलब बीमारियां दूर कर दीजिए, और तरह तरह के मुकदमे जाली मतलब नकली लगा दिए, उनको आप दूर कर दीजिए, दया दे दीजिए, बीमारी में सारी कमाई डॉक्टर के घर चली जा रही, आपकी दया कृपा हो जाए। कितने तरह के लाइलाज जिनमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कैंसर जैसी मौत की बीमारी को जिसने हाथ रख करके सर पर टाल दिया हो, ऐसे समर्थ को, ऐसे हमदर्दी को, ऐसे शुभचिंतक को, ऐसे सहयोगी को आपने कहां समझ पाया, और हाथ से निकाल दिया, तब रोना पछताना हो रहा उसी बात। तो कहा था मेरे बच्चों को, एक एक बच्चन को ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे, ये वक्त समय पर काम आएंगे। नाजुक स्थित परिस्थिति जब बन जाएगी, कोई मदद करने वाला आपका अड़ोसी पड़ोसी परिवार परिवार का जात बिरादरी का जब कोई नहीं तुम्हारी मदद करेगा, तो ये वचन तुमको बचाएंगे। और कहा कि अगर तुमने इनको कहीं बुला दिया या मनोरंजन समझ करके छोड़ दिया, तो हमारी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। देख लीजिए आप सब, वही है आपके सामने, ये सब किसने किया है? किसी ने किया नहीं है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्पन मस्तुनते, स्वयं ब्रह्मति संसारे तस्मात् स्वयं विमुच्यते। ऐ मनुष्य, तुम स्वयं कर्मों का भोगता है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्म करने का सृष्टि में तुझको अधिकार मिला है, लेकिन अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने के लिए ऋषि मुनि योगी महर्षि साधु संत महात्मा फकीर ब्राह्मण पंडित विद्वान अवतारी शक्तियां समाज सुधारक इन सबको लगाया गया था। इनको जिम्मेवारी दी गई कि जाओ काल में, काल के देश में आने रहने वाले जीवों को पूरा काल का विधान बता देना, इस विधान नियम कानून सूत्र के खिलाफ जब कोई चला जाएगा तो दया से हट जाएगा, वो सजा पाने का अधिकारी बन जाएगा। तो आपने किसी की बात नहीं मानी। इतने जबरदस्त वादे, पहला वादा है कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, ये सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं कहा। ये पहले सृष्टि के प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने इतनी बड़ी दया दुआ का भंडार यानी खोल दिया सृष्टि में। काल भी शर्मा रहा इनके आगे,
और माया भी शर्मा रही है कि हमारा कोई प्रयोग नहीं, हमारी कोई जरूरत नहीं, और अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा इतना बड़ा भंडार खोल दिया गया था, लेकिन उस भंडार को का आपने कितना प्रयोग किया, कितना स्वीकार किया आपने, तो वैसे गर्भ कर दिया। तो उसी से रो रहे चिल्ला रहे, तो कहा परिचय दे रहे हैं, तुम अवतारी शक्ति उतर, ये मत समझना कि मैं कोई ब्रह्मलोक से कोई ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मलोक से आया हूँ, न मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, और न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ, मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहे जीवात्माएं ये मनुष्य तन में बैठी हुई, मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। तो बताइए, जब लेने के लिए आए, अभी तो कोई नहीं गई है, कहा था मैंने ऐसे ऐसा समय का नाम जहाज तैयार किया है और भवसागर में लगा दिया और कहा कि तुम बैठ जाओ, चढ़ जाओ और तुमको मैं घर पहुंचा दूं, तो क्या खाली लौटा के ले गए, क्या जहाज खाली चला गया, सुरते तो यही पड़ी है, सब रो रहे चिल्ला रहे। एक उदाहरण आपके सामने गुरु नानक जी महाराज का, उनका एक जीव किसी धोखे से छूट गया और जब सचखंड पहुंचे तो वहां एंट्री की कि इतने जीवों को नामदान दिया, जगाया, शब्द का ज्ञान कराया, अरे भाई एक काम मेरा रह गया, ये जिम्मेवारी होती, इसमें नामदान फोकट में नहीं मिलता, नामदान का मतलब जिम्मेवारी। तो फौरन का उनको आना पड़ा, फिर मित्रों अपने जीव को ढूंढने लगे, वो जीव बेचारा संसारियों में चला गया था। तो कह रहे भाई चलो तुम तो मेरे जीव हो, कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारी रहनी गहनी अब इनके साथ हो गई है, अब इनसे प्रेम प्यार मोहब्बत हो गया, आप ऐसा करो इनको भी ले चलिए। देखिए संग लाभ संग दोष, उनके साथ रहने वाले वो भी बेचारे सब चले गए, जब एक जीव आ रह गया उसको लेने के लिए फिर आए लेके चले गए, यहाँ तो कोई जीव अभी गया ही नहीं है और कहते गुरु जी चले गए, कम से कम कुछ तो विचार करो, ये सब तुम्हारी 60 वर्ष की पढ़ाई कहाँ चली गई, 10 जुलाई 1952 से लगातार रुतवातिर कंटिन्यूस धर्म का कर्म का माना का इंसानियत का प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का माँ बहन बेटी बहू की पहचान का जो संदेश आदेश निर्देश दे रहे थे, आपने उनकी बात को कुछ नहीं माना, 60 वर्ष की पढ़ाई आपने बेकार कर दी, 10 जुलाई 1952 और 2012 तो 13 लग गया, इतना लंबा समय गुरु ने आपको सीखने का, जांचने का, पहचानने का आपको दिया था, कितना आप पहचाने हो अपने को और कितना गुरु को पहचान पाए, कोई भी एक भी चीज, इतना भारी जन सैलाब का एक समय ऐसा आएगा, इतना जन जन सैलाब बढ़ेगा, फिर मैं देखूंगा, यानी फिर पहले छटनी होगी, फिर कटनी होगी और फिर चटनी होगी, भूल गया, कहा था पहले तो हथौड़ी लगेगी शायद समझ जाओ, फिर हथौड़ा लगेगा शायद इससे मान जाओ, फिर घन बचेगा तो घन में सबकी बुद्धि सन हो जाएगी, तब पता चलेगा कौन आशिक है यानी मतलब गुरु का और कौन गुरु की जमीन जायदाद संपत्ति गद्दी का आशिक, सब पहचान हो जाए। कहा था बच्चा मेरे एक तीर से हजारों निशाने होंगे, आप देख लीजिए, आप अपने को समझ लो, सबको समझने का मौका मिला, सबको मौका दिया है कि तुम ये देखो कि 60 साल में कितने सत्संगी बन पाए, कितने संसारी बन पाए, कितने गुरुमुख बन पाए, कितने मनमुख बन पाए, कितने भजनानंदी, कितने विषयानंदी बन पाए, ये सब अपनी अपनी पहचान आप कर सकते, किसी को किसी तरफ झांकने ताकने कहने की जरूरत नहीं, तब तुमको मौका मिल गया, तब उस मौके से भी चूक गए। देखिए तो इशारा इशारा होता है और इशारा समझदार के लिए होता, जहां सब ना समझदार हो तो क्या समझेंगे, तो बीच में कह दिया
जब सैलाब इतना बड़ा, हम कहते हैं 20 करोड़ 30 करोड़ 40 45 करोड़ सत्संगी हो गए, तो स्वामी जी महाराज ने बीच में इशारा किया कि बच्चा हमको तो 5 आदमी भी नहीं मिले। 5 आदमी भी त्यागी और तपस्वी संयमी साका सदाचारी मतलब यानी सत्यता पर चलने वाले हमको 5 व्यक्ति नहीं मिले। फिर कहा हमको 1 भी आदमी नहीं मिला। अब बताइए, जब पिता के इतने बेटे हो, कोई बेटा काम का ना हो और बल्कि काम के नाम पर कुछ नहीं और बदनाम ही करता हो, तो पिता घर छोड़ के नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। तो हमने आपने मजबूर कर दिया, ये गलती कमी की है, उसी की सजा है। अब दौड़े दौड़े घूम रहे, कहां मिल जाएंगे कहां मिल जाएंगे। तमाम फोन हमारे पास 100-200 रोज आते कि स्वामी जी का दर्शन करा दीजिए। हमने 60 वर्ष दर्शन करके नहीं छके थे, 60 वर्ष तो दर्शन लिया उन्होंने और क्या किया। पहले दौड़ दौड़ करके एक एक पर हाथ रखकर तुम्हारी आपत मुसीबत पूछ करके, यानी फिर उसके बाद कहा अरे पास में नहीं समझ पा रहा, शायद दूर से समझ जाए, तो मंच पर बैठ कर देने लगे। तो कहते रहे दूर चले गए, अब मिलना नहीं जुलना नहीं हो रहा। अब दरस और कितना लाभ आपके पास सत्संग सुनने का, कितना लाभ माला फिराने का, कितना लाभ आंख कान बंद करने का, कुछ है? 1% भी नहीं। ये सब फर्जी व्यवस्था, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने इसीलिए परिचय दिया था कि मैं इधर उधर बीच वाला आने वाला नहीं हूं जो मान सम्मान राजपाट देके चला जाऊंगा। मैं इन सुतोरी जीवात्माओं को लेके इनको घर पहुंचा दूंगा, तब चैन लूंगा, बीच में भी नहीं छोड़ूंगा कि किसी दूसरे पर छोड़ दूंगा। देखो कितना बड़ा संकल्प, आप कुछ नहीं समझ पाए। तो कहा हम आए वही देश से, इस देश के देश लोकमंडल मुकाम से नहीं, उस देश से, उस सत देश सचखंड अनामी प्रभु धाम, जहां की सारी सुते हुए जीवात्माओं तुम जो मृत्यु लोक में हो, मैं वहीं से आया हूं। अरे घर वाले के साथ ही विदा किया जाता, दूसरे साथ नहीं, पड़ोसी साथ थोड़ी विदा कर दिया जाए कि कोई लोग लालच दे उसके साथ बेटी की विदाई कर दो गया। तो घर वाला ही लेके जाएगा और घर वाला ही घर पहुंचा पाएगा, नहीं भीख में छोड़ देगा। सब भी ज्ञानी और करी हरी ध्यान करे वो प्राणी, सब हरी का ध्यान करते थे और सब मतलब जहां तक उनके नाम की सीमा थी, ज्ञान की सीमा थी, सत सामर्थ की सीमा थी, उस लोक मुकाल तक पहुंचा देते। सतलोक तो सीमा नहीं थी, क्योंकि सतलोक से संत ही आएंगे जब तभी पूरी मंजिल तय होगी, लेकिन शुभ कर्म करा करके बीच के लोगों में राजपाट शुभ भोगने का समय तो आपको दे देते थे, इतना तो फिर भी कर देते थे। देखिए आप इस तरह से सब खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा है। तो कहा कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ऐसा तो पढ़ते है ही और सुनाते हैं और कहते बाप कहते सीताराम पूरा देखा। तो लोग बात कलयुग की कहते हो और नाम त्रेता दो पर के बताने लगे। अरे कलयुग का नाम बताइए कोई, क्योंकि हरियुग का नाम अलग है, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, तो कलयुग का कौन सा नाम? किसी ने बताया आज तक? किसी महात्मा काले पीले लाल कपड़े वाले ने और किसी विद्वान ने, किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ने आज तक लोगों को बताया कि कलयुग का नाम कौन सा होगा? और नाम बिना उद्धार नहीं, नाम बिना काम नहीं, और नाम बिना आपत्ति मुसीबत मतलब बीमारी जाने का कोई प्रश्न नहीं, तो किसी ने बताया है? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा उसमें है कि सब युगों के नाम अलग अलग और कलयुग का नाम भी अलग है। क्या है कलयुग का नाम, क्या लिखा? कि गुरु भी न भाव निधि तेरे ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर साम होई। कलयुग में गुरु नाम आएगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान कई बार फरमाया कि मैंने गुरु के आगे जय और पीछे देव लगा दिया, लोग शंका में आगे की जय गुरुदेव नाम का, ये शंका पैदा किया।
जबकि गोस्वामी जी महाराज इसी शंका का समाधान करने के लिए रामचरितमानस का चयन किया था और कुछ नहीं। देखो राम की कथा, राम का चरित्र, राम का इतिहास लिख रहे, लेकिन वंदना प्रार्थना अर्चना किसकी कर रहे? जरा प्रथम प्रश्न पर चलिए रामचरित की महारत। बंदो गुरु पद कंज, राम पद कंज कृष्ण पद कंज नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव पंकज नहीं लिखा, लिखा बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में वो हरि आएगा, वो गुरु, वो कलयुग में गुरु वही काम करेगा। अब गुरु का मतलब कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, काली पीलेला और कपड़े का नाम नहीं, जात बिरादरी का नाम नहीं, मंदिर मस्जिद घर मकान बनवाने वाले का नाम नहीं, दान दक्षिणा लेने वाले का नाम नहीं, चेला बनाने का वाले का भी नाम नहीं। तो गुरु किसे कहते? गुमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ और दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल में गुरु कहते। वो गुरु बनने का अधिकारी है, इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कि धोखे में मत रहना, राम कृष्ण से को बढ़ाते रहो तो गुरु की। कहते राम कृष्ण से भी कोई बड़ा है, कहते उनको भी गुरु की जरूरत है। ये तो साफ जाएगी गुरु इनसे भी बड़ा है और राम को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, और आए थे कब चले गए ये पहचान गुरु विश्वामित्र समय के गुरु थे। वो धनुर्विद्या के ज्ञाता थे, शरीर विद्या के मतलब यानी सिखाने पढ़ाने वाले, और उन्होंने उस समय जरूरत की जैसे गुरु की जरूरत पड़ती तब तैसा गुरु भेज दिया जाता, उसी से काम हो जाता है। तो मतलब यानी ये वो यहाँ आए तो धीरज से उन्होंने जब अत्याचार अनाचार पापाचार व्यचार कुचार चरम सीमा को क्रॉस करने लगा तो फौरन उन्होंने ध्यान से बैठ करके देख लिया कि भाई इसका उपचार कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। तो फौरन कहे चिट्ठी खा गए, देखो जिसके घर पैदा हुए उसको नहीं मालूम, आपको बेटी बेटा आपने पैदा किया लेकिन आपको नहीं मालूम है कौन संस्कारी है कौन संसारी है, कौन संसार के काम आएगा और कौन अध्यात्म के काम आएगा कुछ। तो उन्होंने फौरन देखा कि चलो मांग करके ले आ। अब चार बेटे थे, चार तो दो को क्यों छोड़ा है? तो गुरु की गुरु को पहचान है किसके द्वारा किसका काम कब कैसे होगा उन्हें मालूम है। तो फौरन राम लक्ष्मण को ले आए, किसी को नहीं पता चला क्यों ले आए, बल्कि दुख प्रकट करने लगे माँ बाप कि राम देख रही बनत गोसाई मतलब देते ना अच्छा नहीं बना, उन्हें क्या मालूम है कि बेटे से कौन सा काम कराएंगे। अब ले आए और सिखा पढ़ा के तैयार कर दिया, उन्हें मालूम था कि आगे समस्या उलझेगी, उस समस्या का समाधान विकल्प तो कोई किसी के पास जब होगा नहीं तो उस समय जरूरत पड़ेगी। तो हम इस संदर्भ को क्यों ले आए? हमारा मतलब यह कि गुरु कब आदेश देता है, कब चेले को आदेश देता, कब चेले से काम लेता है, मतलब हमारा ये यहां पर कि जब राजा जनक की समस्या उलझ गई, उस समय राजा जनक था, अब तो प्रजा ही राजा है, अब प्रजा की समस्या उलझी पड़ी तरह तरह की, एक तरह की नहीं, समस्या में समस्या में समस्या, एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देके हटती है और दूसरी समस्या तीसरी समस्या को जन्म देके हटती, समस्याओं का तोमवार बन गया ऐसी समस्या। और तैयार हुई तो उन्होंने कहा ऐसे अगर कह दिया जाए तो लोग कहेंगे वाह यही कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते। आज गुरु महाराज पर्दे के पीछे क्यों चले गए कि कोई ये न कहे कि ये काम तो हम भी कर सकते, क्योंकि एक करोड़ काले पीले लाल कपड़े वाला जगधारी लटधारी मठधारी तमाम महात्मा घूम रहे, ये भी कहेंगे हम धर्म ले आते, हम धर्म की स्थापना कर देते, हम मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत ले आते, इनको भी मौका दे दिया कर लीजिए, जिसको कोई नहीं कह सकता, ताकि बाद में आप ये ना कह सको कि हाय हुसैन हम ना हुए, ये आपको नहीं कहने दिया जाएगा, सबको मौका दे दिया गया। वैसे
राजनेताओं को भी मौका है कि देख लो पिछले इतिहास राजे महाराजे बादशाहों के आपके सामने पड़े हैं, उन्होंने इसी भारत भूमि पर और इसी प्रजा के बीच में अपनी सेवा का काम किया, और तुम क्या कर रहे हो देख लीजिए। तो उनके लिए भी है ताकि कोई मतलब यानी हिस्सा प्रशासन का व्यक्ति ये न कह सके कि हमको मौका नहीं दिया, हम न्याय सुरक्षा दे देते, सबकी हिफाजत कर देते, मतलब सुख शांति महंगाई गरीबी दूर कर देते, सबको काम दे देते, बेरोजगारी खत्म कर देते। गुरु महाराज ने सबको मौका दिया हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको मौका नहीं दिया। और कहा था कि जब सब हथियार डाल देंगे, धार्मिक लोग भी कहेंगे धर्म मेरे बस का नहीं, मानवता स्थानीय सत्यता मेरे बस की नहीं, और राजनेता कहेंगे न्याय और रक्षा हिफाजत मेरे बस की नहीं, तब कहा था कि मैंने दो ब्रह्मास्त्र बनाए हैं, एक दूरदर्शी एक भूम ज्योतक संगठन, ये काम करेगा। अभी तो अस्त्र उठाया नहीं गया तो तुमने कह दिया उठाने वाला चला गया, क्या डर गए? अरे क्या डर गए, अपने अस्त्र चलाने में मजबूर हो गए क्या? और ये भी परिचय दिया, अस्त्र चलता है इसके बाद तुमको उपकार दिखाई देता है कि रक्षा हुई है कि हिंसा हुई, अस्त्र चलने के बाद रिजल्ट आता है, लेकिन समर्थ मालिक का इशारा पहले, अस्त्र भी चला नहीं। इसीलिए कि लोग इस भ्रम में न रहे कि तुम अगर करना चाहते हो तो मैंने अपने अस्त्र का परिणाम भी तुमको पहले घोषित कर दिया है कि दूरदर्शी व्यवस्था जब आएगी, दूरदर्शी अस्त्र तब चलेगा तो काम क्या होगा? दूरदर्शी आएगी धरा पर सत्यु लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का संकेत सोमन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। देखिए इतना बड़ा परिणाम पहले ही, आज तक कभी सुना बिना इम्तिहान के कोई रिजल्ट आउट कर दे, देख लीजिए। आज समर्थ पुरुष की समर्थकता को आपने कहीं नहीं छोड़ा, सब ठुकरा दिया। मैं 42 वर्ष से गुरु महाराज के साथ, जब उन्होंने इशारा किया तब मैं, हमें कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, उन्होंने जब कहा तब मैं मथुरा गया, कहा नहीं 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 आना बजट को, कभी नहीं गया, कभी भी नहीं। आदेश भक्ति है, आदेश ही भजन है, आदेश पालन करना गुरु भक्ति गुरु सेवा है। तो इसलिए अब सब लोग कहते भाई ये बीच में कहां से आ गया, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना। तुमने कहा नाम नहीं काम देखो, नाम से क्या लेना देना, नाम जाति शरीर से आपको क्या लेना देना, नाम जात शरीर तो सबके पास, धन दौलत सबके पास, लेकिन ये काम कौन करेगा? क्योंकि गुरु महाराज का बहुत पहले इशारा है, 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, चिराग जला के गांव में नहीं रखा जाएगा, यानी हमारे जिंदे का प्रमाण देने वाला कोई बिरला ही 12 नहीं आज तो 36 कोस पर कोई नहीं दिखाई, कोई नहीं नजर आ रहा, सब डर गए भयभीत हो गए। मैंने 5 अगस्त से ये सूचना अकेले देनी शुरू कर दी, गुरु महाराज की प्रेरणा हुई, उनकी शक्ति, उन्होंने बल दिया कि इसका प्रचार कर दो, बता दो लोगों। मैंने 2 महीने 10 दिन लगातार अभियान चलाया, और कलकत्ता से लेकर आपका उत्तर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और देहरादून और पंजाब तक मैंने सारी सूचना लोगों को दे दी कि आप चिंता मत करो, गुरु कभी मरने की चीज नहीं है। मैंने मथुरा में जब हंगामा मचा, मैं तो गया भी नहीं था, लोग फोन पर फोन करते, अरे हमने कहा मैंने मरने वाला गुरु नहीं किया था जो इतनी जल्दी मर जाए, जिन्हों जो अजर अमर देश से आया है हमारी जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने, मैं इतना कमजोर कमजोर गुरु मैंने नहीं किया है जो जरा से 2-4 कुंटल लकड़ी रख करके तुम जला के ला कर देते, ये तो कुछ नहीं था। ये संदेश आपका सब सब जगह जगह चला गया और सबको मालूम हो गया। तो आज ये कार्यक्रम इसी सिलसिले में रखा गया था कि थोड़ी सी आपको तिथि की जानकारी दे दी जाए कि मुक्ति दिवस का नाम तो कहीं आया नहीं, आज कहीं नहीं, किसी ने नहीं रखा। क्यों? मुक्ति देने का अधिकार
संत श्यामा किसी की बात थी नहीं, जीवों को जगाया तो संतों ने, जगा के खड़ा किया, लेकिन ले जाएगा वही जिसके पास वाहन होगा, सवारी होगी तो लेके जाएगा। नाम जहाज, ये जय गुरुदेव नाम मेला है, नाम जहाज। कहा था बच्चा जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, लोगे बोलोगे बकोगे नहीं, लेना बोलने में फर्क होता है। ऐसे नहीं कि जोर मचाने लगे ले लिया, लेने का मतलब उसके लायक ले गए कोई चीज, जब जब तुम्हारे पास उस वस्तु को खरीदने की पूंजी होगी और तुमको उसको लेने के अंदर में इच्छा होगी बहुत जबरदस्त कि बगैर हमारे इसके हमारा काम नहीं चलेगा, जब ऐसी इच्छा ख्वाहिश तमन्ना होगी तब वो चीज ली जाती, तो जब ली जाती तो संभाल के रखी जाती। तो कहा और किसी नाम से नहीं, जब जो जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भाई शंका किस बात, किस बात की शंका, लेकिन लिया कहा। जब कोई आपत्ति आई तब तो चिल्ला बैठे, जब धनी मानी हो गए तो भूल गया, तो तुरंत ही भूल गए, सुख आ गया भूल गए, दुख आया चिल्लाने लगे। लेकिन तुमने पता है कि उनका सूत्र क्या है दया का, कि दया हम किस पर करते हैं, उसकी पहचान क्या है कि वो गरीबी और बीमारी और बदनामी, ये तीन गहने पहनाता हूं, तीन तरह का साबुन लगाता हूं, तब कर्मों की गंदगी धुलेगी। अगर तीन में से एक भी आपको मिल जाए तो गुरु छोड़ दोगे, कि ऐसे गुरु से क्या मतलब, जैसे गुरुदेव में गए हम बीमार ही रहते, आपको नहीं मालूम कि कर्म कैसे कटते। अरे भाई कर्म कैसे काटे जाए, कैसे निकाले जाए, कैसे हटाए जाए, ये तो तरीका किसी को मालूम है नहीं। तो असल में अब आप थोड़ा सा सत्संग सुनिए, ये तो मैंने आपको परिचय दे दिया कि आप सोचते हो पता नहीं क्या बोलेंगे क्या सुनाएं, तो आपको थोड़ा परिचय दे दिया। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल सत्संग का, मैं कुछ नहीं, ना हमको गद्दी चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना कोई पैसा मान सम्मान सामान आपसे चाहिए। मैं बराबर आपसे प्रार्थना करता रहता हूं कि हमारे हाथ में कोई पैसा ना, क्योंकि हमारे पास कोई कपड़ा तो जेब है नहीं जो हम रखें, ना हमको पैसा चाहिए ना हमारे कोई पैर छुए, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता गुरु भाई बहन का, और तो कोई रिश्ता है नहीं, शरीर शरीर का रिश्ता तो परिवार वालों से होता है, महात्माओं से शरीर का रिश्ता नहीं, आत्मा का रिश्ता। तो इसलिए कभी मत सोचिए जो भोजन करते हो, मतलब अन्न तो दे दिया लेकिन बाकी कितनी मेहनत और जुड़ी है, सब तो आप नहीं देते हो, तो ये तमाम तरह के खत्म हो जाते हैं। तो जो आप देते हो जबरदस्ती, मैं तो नहीं कुछ कहता, नहीं तो कहता कभी मत, और उन पर धन है नाम रतन का, गुर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। उनका कोई स्वार्थ अपना, कोई लोभ लालच, कोई मान सम्मान कुछ नहीं, वो तो केवल परमार्थ की भावना से, क्यों परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, उनका शरीर धारण करना मृत्युलोक में एक ही अर्थ रखता है कि जीवात्माओं का कल्याण हो जाए, दोबारा इनको शरीर में ना आना पड़े, क्योंकि ये नौ द्वारों का शरीर, नौ द्वारे सब गंदगी के दरवाजे, ये गंदगी नौ द्वारों की जब तुम्हारे पर सवार हो जाएगी तो कर्म करजा तैयार हो जाएगा, फिर कभी आपको रिहाई छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कितनी बड़ी चीज आपको, तो आप लोग थोड़ा सा संदेश सुन लीजिए समय का। देखो हमारा देश धार्मिक देश, धार्मिक देश के नाते हमारी एक धार्मिक परंपरा बन गई आज भी, कि हम कोई काम करते चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार का हो, सभी लोग अपने अपने मजे धर्म के मुताबिक, अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा खुदा गार्ड भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। यदि आपने देवी देवता देखे नहीं, न परमात्मा खुदा गार्ड आपने देखा, लेकिन देखो विश्वास है, केवल कागज की पढ़ी पढ़ाई और लोगों के मुंह की सुनी सुनाई पर इतना बड़ा विश्वास, अगर ये संत महात्मा फकीर जो परमात्मा खुदा के जानकार, ये तुमको मिल जाए और इनका दर्शन दीदार हो जाए, इनकी बात समझ में आ जाए, इनकी शिक्षा तालीम
अपने जीवन में उतारना सीख लो तो कौन सा ऐसा काम है जो असंभव। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नरपावत। जब कर्मों से नीचे गिर जाओगे, हिंसा देखिए दया हिंसा में बदल गई। कहीं किसी किताब में लिखा है, चाहे हिंदुओं की चाहे मुसलमानों की सिख ईसाइयों, किसी में लिखा कि जीव को मारना काटना, ये कई उपदेश है। आप जो मुसलमान ये कह रहा वो सच्चा मुसलमान नहीं है। तेरा तो नाम रखा गया मुसल्लम ईमान रहमान, मुसल्लम माने पक्का, जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान, रहमान वही रहमान। जब रहम करेगा, जब खुदा के रहमान के बनाए जीवों पर तुम रहम करोगे तो खुदा रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम करेगा। वो भी आप सब भूल गए, सारी इबादत खत्म, मतलब यानी सारी तालीम यानी मतलब सब खत्म कर दिया आपने। कोई तुम्हारे पास नहीं फकीरों की तालीम, उसका नाम इसीलिए रखा मुसलमान। मुंह असल, जो मुंह का असल हो, मुंह असल मान, अपने मुंह की निकली बात को असल माने, इधर उधर ना हो। मतलब यानी कहते वो मुसलमान है। तो दूसरा है मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान वो मुसलमान। ना कोई जात न कौम, न बाहर की कोई बात थी तो अंदर की थी, कुछ हिम्मत पाया तो थोड़ा सत्संग सुन लेगी। तो ये परंपरा बन गई है धार्मिक देश की कि धर्म से कितना तुम पाप कर डालो लेकिन धर्म को गायब खत्म नहीं कर सकते हो, कितना तुम हिंसा कर। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोगों की कोई सतावे नहीं, वासना भोगों की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं ये कुछ तुम ही थामना, मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं, सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं, बढ़े सत्संग सेवा
मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना नाम का जाम भर कर पिला दीजिए नाम का जाम भर कर पिला दीजिए अपना सतरूप घट में लखा दीजिए अपना सतरूप घट में लिखा दीजिए साथ की डोर से मन को तुम बांधना सत की डोर से मन को तुम बांधना सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभो सतलोक स्वामी अनामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु करार है तीसरे नेत्र की साधना से मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना जिससे सुरती जगे निज घर को भगे जिससे सुरती जगे निज घर को भगे बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका समस्त ग्रामवासियों माताएं बहने पुरुष सत्संग स्थल पर पधारे हुए समस्त सत्संगी भाई बहन देखो प्रेम जगह में बिरह को बिरह जगह में जीव जीव मिला वे पी वही से कहते बगैर प्रेम के संसार में कुछ नहीं है अगर अस्त्र औजार है जीतने का तो प्रेम ऐसा औजार कि सबको प्रेम बस में कर सकते लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न चीन्हे कोई आठ पैर भीगा रहे प्रेम कहावे सोए ये प्रेम की परीक्षा थी कि गुरु महाराज से कितने लोग प्रेम करते हैं कितने उनकी गद्दी और जमीन जायदाद रुपया पैसा से प्रेम करते देखो एकदम छठरी हो गई अगर कान पकड़ के निकालते तो कहते ये दुभाव करते ये ईर्ष्या रखते मतलब छोटे बड़े का भेदभाव करते ऐसा महापुरुषों के पास ट्रायल टेस्ट का तरीका है कि फौरन समझ में आ गया कितने गुरु के आशिक
कितने गद्दी संपत्ति के हासिल, समझ में आ गया। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तो पहले ही सत्संग के दौरान कितनी बार कहा कि जो धन की इच्छा से आया वो धन लेके चला जाएगा, जो मान सम्मान की इच्छा से आया वो मान सम्मान लेके चला जाएगा, जो सामान की इच्छा आया वो सामान लेके चला जाएगा, जो बच्चा भगवान की इच्छा से आया वो भगवान लेके चला जाएगा। ये तो बाजार लगा था, बाजार में विभिन्न तरीके के ग्राहक होते हैं, इसलिए सबके मुताबिक सामान रखा जाता। चार तरह के भक्त, आरक्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, और चार तरह के उनके मनोभाविका, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चार तरह के समझाने का तरीका सत्संग, आम खास निज सीने वसीने, ये सब रखा गया था। और सब अपने अपने क्लास में बैठ गए, दूसरे क्लास में थोड़ी कोई बैठेगा, वो अपने क्लास में बैठेगा तो कितनी सुविधाएं दो उसको। प्राइमरी वाला जूनियर में नहीं बैठ सकता क्योंकि जूनियर की बात समझ में नहीं आ रही, और जूनियर वाले सब प्राइमरी में जो कहते हैं हम तो वहां से निकल आए, हम क्यों बैठे वहां। तो देख लीजिए ना वो उस क्लास में ना वो उस क्लास, इसलिए एक ही ट्रायल टेस्ट में सबकी परीक्षा हो गई। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारे साथ में भेदभाव किया गया, तुम्हारी करनी अभी जो बाकी वो भी खुली जा रही सब धीरे धीरे, जितना समय ज्यादा हुआ होता चला जाएगा। इसमें जिंदा पक्ष वालों में भी ट्रायल टेस्ट शुरू है, कोई धन दौलत के लिए दौड़ रहा है पैसा मिल जाए, सेवा बटोर ले, मतलब यानी चढ़ावा समेट ले, सामान ले ले, अब इसमें भी बहुत निकल पड़े। एक नहीं बहुत सतर्कता के साथ इस रास्ते पर आपको खड़ा रहना है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक ही निशाना। स्वामी महाराज ने कहा निशाना सत्यलोक का, सचखंड नामी धाम प्रभु धाम का, अपने घर जाने का निशाना रखो, और बाकी ये समझो कि हमारा कर्म कर्तव्य है, हमारा लेन देन कर्म कर्जा है। बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, पति पत्नी बन के, भाई बन बिरादर, या अचानक अतिथि बन के आ गया, ये सब लेन देन का जगत व्यवहार है, इस तरीके से रखा जाता है। लेकिन अगर सत्संग वचनों को आप थोड़ा सा गौर ख्याल करके, भाई हम किसी दूसरे विद्यालय पाठशाला में थोड़ी बैठ के पढ़े थे, जहां तुम बैठे थे वही मैं भी बैठा, वहां कोई क्लास ऊपर नीचे भी नहीं बनाया जाता, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड में सबको एक ही चीज दी जाती। लेकिन आपने कुछ नहीं समझ पाया कुछ भी, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं हुआ। कई बार इशारा करके कहा कि पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। संत मत में पढ़ाई लिखाई का काम, अरे परमात्मा पाने में पढ़ाई लिखाई क्या करेगी, धन दौलत क्या करेगी, जात बिरादरी क्या करेगी, को काला गोरा रंग रूप आपका क्या करेगा, या लिंग भेद स्त्री पुरुष ये क्या करेगा। तो सब तो आत्मा का विषय है, आत्मा न स्त्री न पुरुष, न कोई आत्मा शरीर है, न आत्मा की कोई जाति है, वो तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल चेतन देश की कोई गंदगी नहीं। ये जात पात की सबसे बड़ी गंदगी आपने खड़ी कर दी, जबकि बताया गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, अब हरिका भजे सो हरिका हो, बताइए परमात्मा पाने में कोई जात। अरे भाई वो निर्मल जो बंधनों से मुक्त है, वही मतलब है नहीं बंधन मुक्त करे, या नाना प्रकार के बंधन लगे पड़े। सबसे कठिन जाति अपमाना, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो कौन जाति को क्या हो, तो एक हिंदू का बच्चा, एक मुसलमान का, सिख ईसाई का, या ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य का बच्चा ले लीजिए और सड़क पर लिटा दीजिए, आने वालों से पूछो ये किसका बच्चा है, तो बता सकता कोई, ये कहेगा भाई इंसान का बच्चा, लेकिन जात बिरादरी नहीं लिखी। ये सब कहां से आपने गंदगी पैदा की, ये तो व्यवस्था चलाने के लिए, क्योंकि आदमी को तमाम चीजों की आवश्यकता है और सारे काम
सारी चीजें तो मतलब बना नहीं सकता, इसलिए सबको काम सौंप दिया गया। उसी काम का नाम है गलत, तुम लकड़ी तैयार, तुम सामान तैयार करोगे लकड़ी का, तुमको कहा जाएगा काष्ठकार, बड़ाई जिसका। तुम लोहे का काम लोहकार, तुम सोने का काम स्वर्णकार, तुम चमड़े का काम चर्मकार। तो मतलब यानी वैसे तो शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर खोल कमर तो परमात्मा खुदा ने सबको चमड़े का ही तो दिया, किसी के पास है सोने चांदी का? फिर कह देगा तुम ब्राह्मण है क्षत्रिय है सज्जन है। अरे भाई चमड़े का खोल, उस खोल में परमात्मा की चेतन ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा सच्ची मूर्ति जो इस मंदिर ये तो जड़ है, अगर जीवात्मा हटा लीजिए तो मतलब यानी कोई शरीर जिंदा नहीं रहेगा। तुम कहते हो रोटी से जिंदा है, दंदौलत से जिंदा है, कपड़े सामान से जिंदा है, दूध घी से जिंदा है। जब जीवात्मा परमात्मा अपनी निकाल ले, खुद अपनी रूह को निकाल ले, इसके बाद तुम कितनी रोटी दाल सब्जी दूध घी पर बरसात कर दीजिए, एक पल घड़ी के लिए खड़ा नहीं कर सकते। तब पता चला रे भाई ये तो जड़ शरीर का भोजन था, ये जड़ शरीर का भोजन है, लेकिन जब चेतन निकाल दोगे तो जड़ सामान भी जड़ शरीर के लिए काम नहीं करेगा, वो काम नहीं देगा। और एक दिन होना सबको मौत के हला हवाले सब हो जाना है, चाहे जितने पढ़े लिखे धनी मानी, चाहे जितनी ऊंची जाति के, चाहे जितने विद्वान धर्मान बलवान बुद्धिमान विज्ञान आप अपने को मानते हो, लेकिन एक दिन इस खोल कवर को जिसको तुम अज्ञानता बस अहंकार का रूप दिए हुए हो, ये एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करोगे ये बताइए, फिर बार बार मिलेगा? अरे गोस्वामी जी महाराज यही बार बार लिख करके हम सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले नरनारियों को बताना चाहते थे, ये बेशकीमती शरीर हमेशा नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्य से जब 83,99,999 योनियां जब भोग की आपने भोगी हैं, तब एक बार परमात्मा खुदा ने आपको एक अवसर मौका चांस इस मनुष्य मंदिर का जिस्मानी मस्जिद का आपको दे दिया। यही सच्चा मंदिर सच्ची मस्जिद है, कोई पत्थर का मकान इंसान का बनाया, और ये पंचभौतिक ये मंदिर मस्जिद खुदा परमात्मा की बनाई है। तो बताइए खुदा परमात्मा अपनी बनाई में रहेगा कि तुम्हारी बनी में? ये भी कभी नहीं सोचा। और लिख करके सब ने बताया कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम हमको ढूंढते हो, मैं तो तेरे अंदर हूँ। अरे कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, लेकिन अंदर जाने का दरवाजा नहीं मालूम। ये जो इंसान ने ईंट पत्थर की इमारत मस्जिद और मंदिर बनाया, इसका तो दरवाजा मालूम है कि मंदिर का दरवाजा पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ और मस्जिद का दरवाजा पश्चिम की तरफ, लेकिन जिस्मानी मस्जिद जो खुदा ने अपने हाथ से कारीगरी से बनाई, परमात्मा ने अपने हाथ से मनुष्य मंदिर का निर्माण किया, इसका दरवाजा किसी से पूछा कि कैसे अंदर घुसेंगे, कैसे दीदार, कैसे दर्शन होगा? न किसी से पूछा और न किसी ने आज की तारीख तक आपको बताया। यही भेद देने लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है, नाम दीप मणि देहरी, देखो कितनी बड़ी की नाम दीप मन देहरी देह देहरे द्वार, गोस्वामी भीतर बाहर जो चाहे सुज्ञान। नाम दीप मणि देह देहरी द्वार, अरे देह माने शरीर, मैं भी एक देहरी माने यानी मध्यस्थ बॉर्डर, जहां पर यानी भगवान कृष्ण का थोड़ा सा इशारा कि ब्रकुट बिलास सृष्टि लय होई, ब्रकुट माने भूए बिलास माने मिलन, जहाँ पर दोनों भवों का मिलान होता, जहाँ ब्राह्मण चंदन लगाता है माताएं बहने बेली लगाती, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया? इतना भारी शरीर है कहीं पर बेली चंदन लगाया जा सकता था, लेकिन इसका राज रहस्य कभी पूछा किसी ने? रोज लगाया रोज मिटा दिया, रोज ना तो लगाने का अर्थ मालूम न मिटाने का अर्थ मालूम, समय श्रम और पूंजी खराब करते रहे और लाभ हानि का कोई पता आपको नहीं मिला, क्योंकि आप
केवल पाखंड से बंधे हो, यानी मतलब हकीकत से, सत्यता और रियलिटी से आप नहीं बंधे हो, पाखंड से, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। अब पछताते हो, परेशान हो रहे हो कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और सारा जीवन चला गया। देखो कितना सुंदर, निर्मल, पवित्र आपको बचपन मिला, कोई विकार नहीं था, शक्ति से भरी जवानी मिली, और जब शक्ति से भरी जवानी खो दी, निर्मल पवित्र बचपन खो दिया, तब क्या मिला? बुढ़ापा। ये खोने के बाद ये पाए हो, अब कुछ कर सकते? बुढ़ापा का मतलब बूढ़ा, आपा, आपा माने घमंड, बूढ़ा माने डूब गया। अब सारा घमंड खत्म, आज से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पैरों से चला नहीं जाता, याददाश्त रही नहीं, दांत है नहीं, खाया नहीं जाता, मन कुछ सोच नहीं सकता, बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, इसको कहते बूढ़ा आपा। सारा घमंड तुम्हारा चूर हो गया, अब क्या कर सकते हो? अरे भाई कुछ कर सकते हो? तो कहते कहां से किया जाएगा, ज्ञान और ध्यान कहां से हमें होगा? तो अगर इन किताबों से पढ़कर सुनकर के अगर सब ज्ञानी ध्यानी हो गए होते, तो फिर रोने की आवाज क्यों आ रही चारों तरफ? गरीबी की आवाज क्यों आ रही? भुखमरी की आवाज क्यों आ रही? चोरी भी कहते, कत्ल बलात्कार, व्यभिचार, कुचार, अकाल, मौतें, दुर्घटनाओं की आवाज क्यों आ रही? ये तो सब ठीक होना चाहिए था। क्या श्रीमद् भागवत पुराण चोरी करना सिखाती, झूठ बोलना सिखाती है, शराब पीना सिखाती है, हिंसा करना सिखाती, धोखाधड़ी बेईमानी करना सिखाती? फिर कैसे कर रहे? किससे पूछ के किया? कोई चार वेद, छह, सात, अठारह पुराण, उपनिषद और निकाय, और कुरान और हदीस बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के कोई भी धार्मिक ग्रंथ मजहबी, किसी में इस तरह की तालीम शिक्षा नहीं है कि गलत काम को आपको सलाह दी जाए। फिर ये गलत की बाल कहां से आ गई? बिल्कुल बाल सी तैयार हो गई, कहां से? तो आपने तो किसी की बात नहीं मानी, अगर मान लिया होता तो ये दुर्दिन का समय आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये पत्थर जो बाहर में रखा गया था किस लिए? पत्थर माने दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना विश्वास, संकल्प परमात्मा देवी देवताओं के प्रति होता तो तुम कुछ अच्छे बन जाते। क्योंकि ये पूजा पाठ शरीर से क्यों जोड़ी गई? कभी किसी से पूछा आपने कि हमारे शरीर इंद्रियों से ये पूजा पाठ, शुभ कर्म, शुभ क्रियाएं, मतलब पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, जप, तपस्या, गंगा स्नान क्यों जोड़ा गया? हमको कौन सा लाभ, कितना लाभ और कहां का लाभ मिलेगा हमको? लेकिन गोस्वामी जी महाराज इसी बात को बताना चाहते थे, आपका भूल भ्रम न हो, आपके अंदर रहने पावे। तो क्या कहा उन्होंने कि सब कार फल ठग नाहकाये हा, और भजिए राम पद पंकज नेहा। इन सब पूजाओं का, शुक्रियाओं का फल है कि भगवान राम से मिलाने वाले तुमको महात्मा मिल जाए। ये महात्मा पाने की युक्ति थी, ये भगवान खुदा गार देवी देवता पाने की युक्ति नहीं थी। अगर थी तो किसी को मिला होता। जो पुजारी बैठा मंदिर में, पूछो उससे कितने वर्ष तुमको हो गए पूजा करते, तुमको कोई आवाज मिली है? उन्होंने बताया तुम्हारा सच्ची पूजा कर रहे हो कि झूठी, तुमको वरदान आशीर्वाद, कुछ श्राप कुछ मिला? कुछ नहीं, केवल बाहरी सामान में फंस गया, दान दक्षिणा में वो भी कर्जा बन गया दूसरे। आपको नहीं मालूम पराई कमाई के नौ अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। और भजन करना कोई सिखाता नहीं, क्योंकि पूजा पाठ से फुर्सत नहीं। पूजा पाठ का मतलब, जब तन इंद्रियों से सुख कम अच्छे कर्म करोगे तो तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और धन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि जब धन तुम्हारा तन मन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी जी महाराज ये लिखकर बताना चाहते कि निर्मल जन मन सो मोहि पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे,
हमको तो निर्मल मन वाला जन पाएगा कोई नहीं पा सकता। अब तुम्हारी जात बिरादरी कहां चली गई, तुम्हारे बाहरी पूजा पाठ कहां चला गया। ये तो तन मन शुद्धता के लिए कराया जाता था, इसीलिए लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता और संत बिना सूझे ना ही पंथा। कहते पुण्य कर्मों का फल ये है कि तुमको कोई संत महात्मा फकीर मिल जाए। देखो पुण्य कर्म इतना काम करेगा, महात्माओं की तरफ तुमको भेज देगा, और परमात्मा क्या करेगा, किसी संत महात्मा से तुमको, जिनको उतारी शक्तियां कहते हो, ये तुमको उनसे मिला दे। क्योंकि जब संत मिलेगा तब अंत मिलेगा, जब तक संत नहीं तब तक अंत नहीं। तब कहा है कि अब भरोसे मोहि महानू मनुता और बिन हरि कृपा हाँ मिले नहीं संता। कहते हरि की कृपा कितनी होगी, केवल संत महात्माओं के पास पहुंचा दे। हरि कुछ नहीं कर सकता, उसके बस का कुछ नहीं है, वो तो संत महात्माओं, वो तो गुरुओं को आदेश ऊपर से होता है, वो मतलब लेख पर लेख मारते। आपको ये सब कुछ बताया गया लेकिन कुछ नहीं समझे। ये बताओ जैसे मंदिर बनाते बाहर में, कोई देवालय मस्जिद खुद बना दिया आपने, और मंदिर से मूर्ति हटा लो कोई मंदिर की पूजा करेगा, चाहे करोड़ों रुपए का मंदिर बना डालो। अरे पूजा मूर्ति की होती, पंडित की नहीं होती। ऐसे पूजा शरीर की नहीं है, इस शरीर में चेतन मूर्ति जो परमात्मा खुदा घाट का अंश कतरा, जिसको जीवात्मा रूप है, तो जब तक वो रहेगी तब तक शरीर की कीमत होगी, पर जब मूर्ति हट जाएगी कीमत खत्म हो जाएगी, कोई नहीं लगता इसी शरीर को। यही घर परिवार के लोग कहते अड़ाइए इसको जला दीजिए, इसको मतलब या तो जला दो या गड्ढा खोद के गाड़ दो, ये घर में नहीं रहेगा। आपने कितनी मेहनत करके दो चार मंजिल का मकान बनाया और रहने का समय आया तो चला चला, कहते हटिए हटिए निकलिए, वही तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं रहने देंगे, निकाल कर बाहर करेंगे। और क्या कहते, घर के कहा सवारे काढ़ो न भूत हो घर खई है। कहते जल्दी करो निकाल बाहर, कोई भूत प्रेत न बन जाए, ये फिर तंग करेगा परेशान करेगा। अब हमदर्दी मोह ममता शक्ति कहां चली गई, कहां चली गई। अगर शरीर से रिश्ता था तो फिर सुखा के रख लेते, फिर क्यों फेंकने जा रहे हो, जलाने जा रहे हो, रखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। इतनी नफरत पैदा हो गई किसके कारण, कि चेतन जीवात्मा के निकल जाने पर। इतनी बड़ी कीमत जीवात्मा की थी, उसी जीवात्मा की कीमत कराने वाले महात्मा मिले, लेकिन आप समझ कुछ नहीं, सब धोखा हो गया। तो असल में तो महात्माओं ने कहा भाई अब भी मान लो, जड़ता में नहीं चेतनता में है, जल शरीर है, जब जीवात्मा चेतन निकल गई तो इसको तुम घर में रखना नहीं चाहते, बदबू आ रही बदबू आ रही, हटा उसको, बेकार है बेकार हो गया। तब कहा था कि मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना, मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना, मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना, मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। तो दूसरी तीसरी घटना यानी रावण का वध क्यों किया, उसने नारी का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा कभी भगवान माफ नहीं करता, कानून बता रहा रामचरितमानस में, सब कानून कानून, सारी धारा सारे सूत्र ही सूत्र लिखे पड़े, लेकिन आप कब कैसे कहां लागू कर पाओ ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। तो कहते कि उसने, और तीसरी घटना है कुंभकर्ण का वध, जबकि रामचरितमानस प्रशंसा करती कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, इतना बड़ा बलवान, और कहा इसको क्यों मारा, मारने का कारण क्या। कहते वो शराब पीता था मांस खाता था, इसलिए कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया। अब आप ये बताइए,
अगर सीताराम का कानून आज लगा दिया जाए तो तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो, कोई नहीं बच सकता है। और कहते हो सीताराम की पूजा करते, अरे सीताराम पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, वो सब देख रहा है, वो देखने वाला सब कुछ देख रहा है आपका क्या कर रहे हैं आप। चौथी घटना, बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संघारा क्यों? एक भाई को मित्र बनाते दूसरे का वध के लिए कौन सी नीति है? तो ऐसे नहीं मार दिया, उसमें कानून बना दिया कि आज से मैं कानून पारित कर रहा हूं, परिवार समाज में रहने वाले लोग अगर इनके अंदर ऐसे भाव विचार क्रियाकलाप होंगे तो मैं सजा दूंगा। क्या कानून बनाया था? कि बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था, बड़ा भाई छोटे भाई की औरत को स्त्री बना के रखे, ये सामाजिक पारिवारिक धार्मिक अपराध है, पाप है, सजा पाने का अधिकारी बन जाता। तो कानून बना दिया भगवान राम ने, क्या लिखा हो गोस्वामी जी महाराज ने, कि अनुज है बधू भगनी सुत नारी और सुन साथ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा स्त्री बिलो के जोई और ताय बधे कछु पाप न होई। अनुज मधु, अनु माने छोटा भाई, अनुज माने छोटा भाई, मधु माने स्त्री, छोटी भाई की स्त्री भी कन्या के समान, भगनी माने बहन और भगनी सुगनारी बहन के लड़के की स्त्री भी कन्या बहू है, और कुंवारी कन्या ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई गलत निगाह दृष्टि डाले तो राम का कानून कहता है ऐसे इंसान का वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। आप बच सकते हो? अब बताना पड़ेगा क्योंकि आप पूजा पाठ के अतिरिक्त आप ये भी कहते थे कैलाश पर्वत पर अमर कथा, कहते वो अमर कथा भोला हमें न सुनाई, जिससे घर जी अमर गति को पा जाए, अमर लोग चला जाए, न कभी मरण में आवे, न जन्म में न मरण में, वो कौन सी युक्ति है, वो कौन सी पूजा है, वो कौन सी क्रिया है, कौन सी साधना है, भगवान हमको बताइए। आप गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देखो त्रिया की हट में भगवान शंकर भी टाल नहीं सके। क्या कहते हैं कि अगर पार्वती तुम जानने की इच्छा रखती इतनी जिज्ञासा तो सुनो, कि उमा कहो मैं अनुभव अपना और सतहारी भाजा ने जगत सब सपना। ये सच्ची पूजा है भजन, आत्मा से भजन होता है, शरीर इंद्रियों से पूजा होती है। पूजा पाठ का लाभ शरीर इंद्रियों को मिलेगा और भजन का लाभ आत्मा को मिलेगा। पूजा पाठ तीर्थ प्रदान हवन जब तप यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। दोनों चीजें आपके सामने, किसी की निंदा आलोचना नहीं की जाती, दोनों रास्तों को आपके सामने खोल के रखा जाता है। अरे भाई ये सृष्टि तो तुमको बहुत प्यारी है कि ये भोग मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मान सम्मान सामान पति पत्नी बाल बच्चे मिल जाए, लेकिन अगर जिसने ये बनाया है अगर वही मिल जाए तो ये तो सब तुम्हारा हो ही जाएगा, इसको अलग अलग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपको किसी ने बताया नहीं था और वादा करके आप माँ के गर्भ में यही चले हैं। गोस्वामी जी महाराज उस गर्भ की स्थिति को भी खोल कर कह रहे हैं, अरे तूने तो गर्भवास में वादा किया है, जब उस समय गर्भ की स्थिति बड़ी दंडनीय होती, मुंह नीचे पैर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से निकलता रहे, अब कितनी दुर्गंध होगी, कितनी बदबू, कितनी यात्रा होगी, अब वहां तो कोई साथी संगाती बैठा नहीं जो मदद करती। ऐसी गहन स्थिति परिस्थिति में जीवात्मा वो अकेली है बेचारी की, वो परमात्मा दूसरा तीसरा तो कोई है नहीं वहां, तो कहा तो जीवात्मा तूने तो वहां वादा किया था, क्या है कि अब प्रभु कृपा आ करो यही भांति और सब ताजी भाजा ने
अब ऐसी आप जल्दी से युक्ति कोई साधन बना दीजिए, कोई व्यवस्था, हमको नरक कुंड से बाहर कर दो। बहुत बहुत बदबू आती है, कहना बहुतों बार हमने तुझको बाहर किया है, लेकिन जब तू मतलब बाहर जाती है तो हमको ऐसे भूल जाती है, ऐसे माया के प्रकोप में तू ऐसी मतलब वाली फंस जाती गंदगी में, कैसी कि भूमि पर आते निभा ढावर पानी और जिमी जीवाए माया लापिटानी। कैसे बादलों से, बादलों में बूंदे को कितनी साफ, बिल्कुल व्हाइट सफेद निर्मल, और जैसे पृथ्वी पर आई तो इस पृथ्वी ने अपने में उसको कर्मण कर दिया, पर्वतित कर दिया, बिलाली धूल दूषित गंदी हो गई। ऐसे जीव माँ के गर्भ में था बिल्कुल पाक साफ, न कामी न क्रोधी न लोभी न लालची, न चोर न डकैत न कतली न शराबी न कबाबी न जुआनी न व्यभिचारी, कुछ नहीं था। और जैसे वासना और विकारों के क्षेत्र में आया वैसे गंदा हो गया। ये वासना विकार का क्षेत्र है, इसमें कोई नहीं बचा है। अरे इस माया से कोई बचा नहीं, थर थर कांपते हैं कौन, किसी वो चतुरा नन देखी डेराई अब पर जीव लेखे माही। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि को बनाने वाला है, एक रक्षा इबादत पालन पोषण करने वाला, एक निर्णायक निर्णय लेने वाला मार्ग है, कहते तीनों माया को देख के थर थर कांपते हैं बेचारे साधारण जीव की क्या हस्ती, ये क्या कर ही क्या सकता है। लेकिन जिस पर दया भई सदगुर की, वही हुआ निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुर की महान कृपा दया हो गई वो तो निहाल हो गया, वो मुक्त हो गया, बच गया, और बाकी को काल ने सबको धर्म पहुंचा। तो तुमने कोई धर्म नीति कही कोई भी तो लागू नहीं किए, चलो तुम नकली असली बना के लाए हो, चलो हमारे गुरु को आप समाधि दे दीजिए। अब वो समाधि देने कुछ हो तो दे दे, जानते सीबीआई जांच होगी, राज खुल जाएगा, फट से उनके अंदर यही निकाल जल्दी से जला के राख कर। तो तुम राख, तुमने पुतला नहीं जलाया है, करोड़ों की आस्था को जला दिया है, करोड़ों श्रद्धालु प्रेमी भक्तों की आस्था को जलाया है। इसका मूल्यांकन कौन करेगा, ये कौन चुकाएगा। देखो मां मरी और बेटे ने से आंसू नहीं गिराए, पति मर गया पत्नी ने से आंसू नहीं गिराए, बेटा मरा मां बाप ने से आंसू नहीं गिराए। जितने लोगों ने पुतले बना पुतला बना करके और श्रद्धालु प्रेमियों के आंसू गिरा दिए, इन आंसू का मूल्यांकन कौन करेगा, कौन इनकी कीमत चुकाएगा, ये सब बताना पड़ेगा। एक एक चीज आपके सामने होके गुजरेगी। मैं निंदा आलोचना का विषय बना के कभी नहीं कोई चीज कहता हूं, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। अच्छाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई बताने के लिए थाने कचहरी यानी कोर्ट बनाए गए थे, इसीलिए बनाए गए। और संत दरबार तो बिल्कुल सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए ही बनाया गया। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी जरूरत है उसकी तो तलाश में वह तो सामने ही सब, लेकिन वही बात कि आप पहचानोगे कैसे, पहचान होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज पहचान की होती। और पहचान कब होगी, जब तुम्हारे अंदर कोई लगाव होगा। अरे भाई लगाव ही तो घसीट के ले जाता। तो इसी तिथि पर हमने बहुत सूक्ष्म समय आपको ले दिया कि मुक्ति दिवस, आज तक किसी ने इस दिन की दिन का लेख कहीं नहीं है। हाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, निर्माण दिवस, शिक्षक दिवस, तहसील दिवस, ये तो सुने होंगे आप, लेकिन मुक्ति दिवस नहीं सुना। ये है समर्थ की सामर्थ्यता कि मुक्ति दिवस बना दिया, एक दिन निर्धारित कर दिया कि सबको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, सब जाएंगे अपने घर पहुंचेंगे, सारी सुप्त रूहों जीवात्माओं को घर जाने का मन शरीर में सबको मौका है, सबको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अधिकारी कब बनोगे, पहले कर्मचारी बनो तब अधिकारी बनो।
या कर्मचारी कोई नहीं बनना, सब अधिकारी बन गया, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई मंत्री बन गया, फिर रिजल्ट क्या निकला? खत्म, सब खत्म, सब वही मतलब यानी सब अहंकार में परिवर्तित हो गया, लोभ लालच में। इसलिए क्या जाएगा? तब कहा था गांव के समस्त धर्म प्रेमी माता बहने पुरुष, देखो मानव जीवन का सच्चा अर्थ अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ केवल इंसान यहां तक पहुंचा है आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना कमाना मलमूत्र त्याग करना आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा कोई अर्थ आपको नहीं मालूम। अरे ये तो पशु भी करता है, पक्षी भी करते, कीड़े मकोड़े सब यही काम, खट कर्म छह कर्म तो ये सभी योनियां करती, लेकिन सत्कर्म के लिए मानव तन मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद परमात्मा खुदा ने आपको तकसीम किया, लेकिन कोई कीमत आपने नहीं सुनी, धीरे धीरे सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं किधर जाऊं क्या करूं। ऐसी आपने एक रास्ता तैयार कर दी अपने कर्मों के द्वारा, वो तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो रही है, तो कम से कम ये तो विचार करना चाहिए, लेकिन कोई सोचा विचार आपने कुछ नहीं। तो इसलिए हमने थोड़ा समय आपका ले लिया कि चलो चलते चलाते मतलब लोगों की जानकारी हो जाए, एक मिल जाए जानकारी तो शंका संदेह गुरु चले जाए, क्योंकि शंका बहुत दुखदायी है।